20 News is brought to you by Saika Motors Private Limited and Current Kothari Jewelers. मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइचू 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। ये उनका पहला आधिकारिक भारत दौरा है। भारत पहुंचकर उन्होंने चीन के साथ संबंधों पर बात की है। इसराइल को 70 साल पीछे ढकेल दिया, 7 अक्टूबर को हमले की बरसी पर बोले ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई। हिजबुल्ला की हथियार सप्लाई काटने पर इसराइल की नजर, सीरिया लेबनान बॉर्डर पर किया मिसाइल अटैक। जंग से प्रभावित लेबनान की आबादी के लिए $157 मिलियन की आर्थिक मदद देगा अमेरिका। लालू फैमिली को लैंड फॉर जॉब केस में बड़ी राहत, तेजस्वी तेज प्रताप और लालू को कोर्ट से मिली जमानत। मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई यानी इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसके विरोध में कांग्रेस ने एक अनूठा आयोजन किया है। आप सांसद संजीव अरोड़ा के घर ईडी की छापेमारी, बीजेपी पर भड़के मनीष सिसोदिया। रायबरेली में टला रेल हादसा, ट्रैक पर बालू देखकर लोको पायलट ने रोकी ट्रेन। कोलकाता रेप मर्डर केस में पूर्व पुलिस आयुक्त के खिलाफ FIR दर्ज की मांग वाली याचिका पर कलकत्ता SCB सुनवाई। राहुल गांधी मानहानि केस से जुड़े मामले में सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट आज कर सकती है सुनवाई। गृहमंत्री अमित शाह आज वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। रतन टाटा की बिगड़ी तबीयत, मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के ICU में हुई भर्ती। लोकसभा चुनाव में बारामती सीट पर भाभी सुनीत्रा पवार और ननद सुप्रिया सुले के बीच मुकाबला हुआ था। अब विधानसभा चुनाव में फिर से शरद पवार और अजीत पवार इस सीट को लेकर आमने सामने आने वाले हैं। मुंबई के भायखला में NCP अजीत पवार गुट के नेता सचिन कुर्मी की हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए भायखला पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन पैन कार्ड में कर सकते हैं कोई भी बदलाव, नाम की स्पेलिंग से लेकर बर्थ डेट तक। आतंकियों के निशाने पर दिल्ली, खतरे के बीच पुलिस अलर्ट। कार्तिक आर्यन विद्या बालन स्टारर भूल भुलैया 3 इस दिवाली रिलीज होने वाली है। इस बीच कार्तिक आर्यन ने लोगों का एक्साइटमेंट और बढ़ाने के लिए अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने मंजरिका के दिखने पर उन्हें बताने की बात कही है। हानिया आमिर पिछले दिनों दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में पहुंची थी, जहां उनके फैंस ने उन्हें स्पॉट कर लिया। इसके बाद उन्होंने हानिया के हालिया सीरियल को लेकर मजाक भी बनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। RBI में रेपो रेट घटेगी या बढ़ेगी, आपके लोन की EMI 2 दिन बाद हो जाएगा फैसला। फाइनेंस सेक्टर में अपना लोहा मनवा चुके रिलायंस ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विस अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।